बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो पूछ रही थी कि जो लेटर निकाला गया था, जिस लेटर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा वार्ता होना था, तो वार्ता तो हो चुका है। और वार्ता के बाद क्या निर्देश आए हैं, क्या वार्ता में निष्कर्ष निकला है, क्या हमारी मांगों को पूरा किया गया है और अब हम हड़ताल को तोड़ सकते हैं, इससे संबंधित उनको कई जानकारी चाहिए थी और इससे संबंधित उनको कई कन्फ्यूजन भी था। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि क्या आप सभी को आगे भी हड़ताल को करना है या आपका हड़ताल बंद हो सकता है। इसके साथ ही आपकी जो भी मांगी थी, 5 सूत्री मांगी थी, इस मांग को यहाँ पे पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के पास शेयर भी कीजिएगा। इस वार्ता से संबंधित अभी तक बिहार एवं ICT विभाग द्वारा कोई ऑफिशियल लेटर यानी कोई यहाँ पे जरूरी सूचना जारी नहीं की गई है, जो पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाओं को पता लग सके कि क्या क्या जो सचिव है और समाज कल्याण विभाग के साथ जो बातचीत हुई है उसमें हुआ है। लेकिन इससे संबंधित हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है आंगनबाड़ी खबर, उसमें कुछ वीडियोस भी आई हैं जिसको आप यहाँ पे आगे देख सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहनों के लिए जो यह मान रही हैं कि क्या उनका हड़ताल अब बंद हो चुका है। तो देखिए, अभी तक जो बिहार समाज कल्याण विभाग है इसके द्वारा कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है जिसके अनुसार आपकी जो 5 सूत्री मांग है उन मांगों को पूरा किया जाएगा। और उसके साथ ही जो जो बहनें समझ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया है और हड़ताल पर तोड़ सकती हैं, तो आपके लिए यह परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो इस वार्ता के इतने देर बाद तक भी कोई ऑफिशियल लेटर की जानकारी सामने नहीं आई है या कोई ग्रुप में कोई वेबसाइट पे जो यहाँ पे लेटर अपलोड नहीं किया गया है। और जब यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपकी जो 5 सूत्री मांगों थी उस मांग को पूरा किया गया है या आपकी मांगों को यहाँ से फिर से उसी प्रकार से आपको हड़ताल को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही आप हमारे जो आंगनबाड़ी खबर ऑफिशियल ग्रुप है इस चैनल का, उस चैनल में बहुत सारी ऐसी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है, तो आप उस वीडियो को आगे यहाँ पे देख सकती हैं। तो हमको कहना यह है, ये सारे लोगों के तरफ से ही कह रहे हैं, ये सभी लोगों का एक ही मत है कि सरकार के लिए बेहतर यही है। ठीक, हमारे भाई साहब ने कहा सरकार के लिए बेहतर यही है। हम लोग को कोई शौक नहीं है, शुरू में भी हम कहा डेलीगेशन में आए नहीं आए, कुछ लोग लिखित बोलते हैं, हम लिखित लिखित है तो जहर जगह से लिखित हुआ तहिए से जहर हुआ, मैं जानता हूँ। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको कहिएगा तो हम फिर से उनको ब्रीफ कर देंगे। जिस दिन से लिखित की बात आई और उसी दिन से ही आंगनबाड़ी का भाग में धीमा है। लेकिन अभी आपने जो वीडियो देखा वह आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ रिकॉर्ड की गई थी और इस वीडियो में कोई क्लियर साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ है, जिसके अनुसार आपको यह पता लग सके कि वार्ता में क्या क्या बातचीत हुई थी। लेकिन इससे संबंधित अभी तक बिहार सरकार ने ICT निदेशालय बिहार पटना द्वारा कोई ऑफिशियल लेटर प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसके अनुसार आप सभी बहनों को पता लग सके कि आपकी जो 5 सूत्री मांगे हैं यानी आप जो हड़ताल कर रही हैं, जिस वजह से कर रही हैं, जिससे आपका मानदेय बढ़ सकता है, आपको यहाँ पे ग्रेच्युटी प्रदान हो सकती है और अन्य भी कारण है जिसका अंतराल पे प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बहनें, बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनें अनिश्चितकाल हड़ताल पर गई हैं। और जब तक यहाँ पे लेटर प्रकाशित नहीं किया जाता है, जब तक यहाँ पे ICT विभाग द्वारा कोई यहाँ पे निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक आपको यहाँ पे हड़ताल को नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर आप हड़ताल को तोड़ती हैं तो आपका हड़ताल टूट जाएगा और उसका उल्लंघन होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक आप सभी को पता नहीं लग जाता है कि आपकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया गया या नहीं किया गया है, तब तक आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको आगे की परेशानी हो सके। इसके साथ ही अगर आपको ये जानना है कि उस वार्ता में क्या बातचीत हुई थी या इसका निष्कर्ष क्या सामने आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वो वीडियो मिल सकती है जो आगे फ्यूचर में बनने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक आंगनबाड़ी बहनों पर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें पता लग सके और कन्फ्यूज ना हो कि उनकी जो मांगे हैं पूरी हो गई है। इसके साथ ही अगर आप कोई कमेंट में बॉक्स में पूछना चाहती हैं, अगर आपसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, जिसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। हम फिर से एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें बिहार ICT विभाग द्वारा वार्ता से रिलेटेड कोई जानकारी प्रकाशित की गई है।